जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कांस्टेबल, अगर बिहार कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको किस प्रकार से करनी है। फ्रेंड्स, क्या क्या बुक अवेलेबल करना है आपको, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि बिहार कांस्टेबल की तैयारी करने से पहले आपको मैं एक ऐप बता देता हूं जो कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल और बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ्लुएंट है। तो वो ऐप आप अच्छे से अपने फ़ोन में रख लीजिए फ्रेंड्स, उसका नाम है फ्रेंड्स बिहार कांस्टेबल। देखिए फ्रेंड्स, बिहार कांस्टेबल का एक ऐप आता है, वो ज़्यादा एमबी का नहीं होगा फ्रेंड्स, 7 से 8 एमबी का होगा। उस ऐप को रख लीजिए, आपको डेली वाइज जो है ना क्विज मिलते रहेंगे। और आपको मैं बता दूं, और मैं डेली जो है ना कुछ वीडियो डालते रहता हूँ बिहार कांस्टेबल का। अगर आपको डेली वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो अच्छे लगे तभी आपको लाइक करना है, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे अभी तैयारी करने वाले हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि आप ले सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी बहुत ही अच्छा बेहतरीन जीके का वीडियो बना के रखा हूँ जो कि ज्यादा मिनट का नहीं है फ्रेंड्स, 50 से 52 मिनट का है। वो अगर वीडियो आप देखते हो तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आप जाके चैनल में जाइएगा, वहां पर एक पहला ही वीडियो आपको मिल जाएगा जो कि बिहार से रिलेटेड है, बिहार जीके से रिलेटेड है, 50 से 52 मिनट का वीडियो है फ्रेंड्स। मैं बहुत ही मेहनत किया हूँ उस वीडियो में, तो आपको मैं बता दूं कि उस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, बिहार कांस्टेबल की तैयारी करने से पहले आपको ये जो अगर टॉपिक्स को लेना है, सिलेबस को लेना है, सिलेबस को पहले क्या करना है, एक 3 पेज ले लीजिए, ठीक है ना। 1, 2, 3 पेज लेना है आपको। कितने पेज? 3 पेज लेने हैं फ्रेंड्स। 3 पेजों में पहले सिलेबस को लिख लीजिए। क्या होता है कि हम अपने मोबाइल में सिलेबस को लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मोबाइल में रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मोबाइल में हम लोग बार बार नहीं देख पाते हैं, हम लोग मोबाइल का यूज ज्यादा नहीं कर पाते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप एक बार क्या करिए, उसको रख लीजिए, ठीक है ना। आप 3 पेजों में सिलेबस को लिख लीजिए। क्या करना है मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फ्रेंड्स, क्या करना है। 3 पेजों में लिख लीजने के बाद आपको हर एक टॉपिक को यूट्यूब के वीडियो से, या अगर आपने कोई बुक ले रखे हैं, बुक वगैरह ले रखे हो, तो अगर उसकी वजह से आप वो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देखिए या क्वेश्चंस को करिए। आपको मैं एक बुक बता देता हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है ना। और यहाँ पे एस चंद का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आर एस, सॉरी आर एस अग्रवाल का होगा वो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो बुक खरीद लीजिए। वो मैथ्स के लिए A1 बुक है, ठीक है ना। A1, चाहे वो SSC की हो, रेलवे के एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, वो क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा है। अब मानता हूँ कि कुछ बिहार के बच्चे हिंदी के लिए प्रेफर करते हैं, हिंदी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो हिंदी के लिए भी वो बुक अवेलेबल है, ठीक है, टेंशन की जरूरत नहीं है, वो बुक ले लेना है। अगर आपको करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यूट्यूब में मिल जाएंगे, या आप एक वेबसाइट है, याद रहे फ्रेंड्स, उसको लिख लीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए, GKToday, GKToday.in, वो वेबसाइट क्या करना है आपको, अपने पास रख लेना है। उस वेबसाइट पर साइड में जो आप रखते हो रख लीजिए, साइड में स्क्रोल बार है, वहां पर आप रख सकते हो। तीनों जो 3 बटन है, जो भी आपके फोन है, चाहे छोटा फोन है या बड़ा फोन, कोई भी फोन है, वो अपने पास रख लीजिए। वो GKToday.in या .com जो भी मारना है उसको मारने के बाद, ठीक है ना, वो सारे के सारे जीके के क्वेश्चंस दे देगा जो कि करंट के जीके हो रहे हैं फ्रेंड्स, करंट जीके, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बताएगा, ठीक है ना। आपको कोई भी यूट्यूब की कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस वो वीडियो चला जाइए, वो बहुत बड़ा ऐप है, वेबसाइट है, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, कैसे रणनीति को अपनाना है। रणनीति को अपनाने से पहले आपको दृढ़ निश्चय लेना होगा फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, 12 तारीख और 20 जनवरी को एग्जाम है आपका, जब समझ लीजिए फ्रेंड्स, आपको तीनों को सिलेबस को लिखना है। 3 पेज में लिख लेने के बाद सभी को, अगर आपका पहला टॉपिक खत्म हो गया ना, तो उसको टिक मार्क कर लीजिए। जैसे आप मंथ वाइज टिक करते हो ना, मंथ, जैसे कि ये 1 तारीख गया, 2 तारीख गया, 3 तारीख गया, 4 तारीख गया, और मैं बता रहा हूँ वो जितने भी मंथ हैं सबको अपने पेन से आप नोट डाउन करते हो, उसी तरह सिलेबस को ही नोट डाउन कर देना है। नोट डाउन करने के बाद आपको, नोट डाउन करने के बाद क्या करना है, उसको रख लेना है अपने पास, और उसको एक स्टेपलर लगा के, उसको पिन अप कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है ना, 3 पेजों को। वो 3 पेज आपके माइंड में इतने अच्छे से घर करेंगे ना कि आप सपने भी देखोगे ना तो उसी 3 पेजों के देखोगे। तो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सिलेबस चल रहा है, सिलेबस रहेगा आपके मन में तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी लाइव क्लासेस कुछ दिन के बाद लेके आऊंगा बिहार कांस्टेबल के लिए, पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, अंत तक साथ रहिए, मैं बहुत कोशिश करने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है ना।
और जितने मैंने जो टेस्ट सीरीज डाले हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। मैं अभी धीरे धीरे करके सबको सब डालते रहूंगा, आपके पास पहुंचते रहेंगे क्वेश्चंस, टेंशन की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। जीके, करंट अफेयर, साइंस, रीजनिंग, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, आपको पहले कम से कम 3 से 4 बजे उठना है, अगर कॉन्स्टेबल की जॉब है ना हमें लेनी है, ये मन में ठान लेना है फ्रेंड्स कि हमें लेनी है और हम इसको लेकर रहेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम होता है, चाहे कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। ऐसे कुछ ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है कि छोटी सी जॉब के लिए मुझे कोई रोके। बिहार एसआई के लिए भी मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बिहार एसआई के लिए मैं मेंस का तैयारी कराऊंगा, उस पेपर को आप अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, वो पेपर भी आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और कॉन्स्टेबल के बारे में बात करूँ तो कॉन्स्टेबल की पेपर भी बहुत ही अच्छी होगी, आपको समझना है क्या करना है, पहले स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स। आप कोई भी सी छोटी से क्या होता है, हमारे घर में परिवार वाले बोलते हैं कि छोटे से लीक से लाख होता है हमारा, ठीक है ना, लीक से लाख होता है, डायरेक्ट हम लाख पे नहीं पहुंचते हैं, लीक से लाख होता है, ठीक है। मैं ऑब्वियसली बिहारी हूँ ऑब्वियसली, तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे मिलेंगे, और पूरे यूट्यूब में आपको मैं बता दूं मेरा 1000 वीडियो होने वाला है, यूट्यूब में 1000 वीडियो होने वाले हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सब मिलेगा आपको, जो चाहिए वो मिलेगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन चाहिए वो मिलेगा, 1000 जो है ना जीके क्वेश्चन चाहिए वो मिलेगा, ल्यूसेंट के क्वेश्चन चाहिए वो मिलेगा। तो ये मैं नहीं बोला कि मेरे वीडियो देखिए देखिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हो ना भी देख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें जो भी याद करना है आपको, जो पॉइंट वाइज मैंने बताया फ्रेंड ना, जो भी याद करना है आपको, जो भी समझना है ना आपको, क्या करना है, मान लीजिए मेरा 4 लाइन का पॉइंट, 4 पॉइंट का आंसर है, ठीक है, 4 पॉइंट का आंसर है। अगर आपने डिस्कवरी देखा होगा तो उसमें ब्रेन गेम के बारे में बताया है, आपने अगर पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपने नहीं पढ़ा है, तो आपने क्या करना है, ब्रेन गेम्स देखना है, डिस्कवरी चैनल बहुत सारे ऐसे चैनल है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, वहां से पढ़ सकते हो, वहां से ब्रेन गेम के बारे में जान सकते हो, कैसे हम लोग मेमोराइज करते हैं, कैसे अपने चीजों को रिमेम्बर्स रखते हैं, ठीक है ना। मेमोराइज करने वाली जो रणनीति है हमारे अंदर आ जाती है, मेमोराइज करने वाली जो रणनीति हमारे अंदर आ जाती है, अगर मेमोराइज कर पा रहे हैं हम लोग तो कोई भी चीज हमारे लिए आसान मुश्किल नहीं है, आसान ही लगेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एंड तक आपको प्रिपरेशन करनी है, मेरे साथ करना है, मैं जान दे दूंगा आपके लिए और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने कितना सपोर्ट देना है मुझे वो हमें बता दीजिएगा इस वीडियो में, अगर आपका फुल सपोर्ट रहा भाई लोग तो मैं डेली वीडियो, और मेरे वीडियो में आपको पीडीएफ मिलते हैं फ्रेंड्स, ऐसे कोई भी यूट्यूब चैनल में नहीं है, आपको पीडीएफ कोई ला के देगा, मैं हैंड रिटन जो भी लिखता हूँ फ्रेंड्स वो भी पीडीएफ डाल देता हूँ, ताकि आपको आपका कोई भी एग्जाम अच्छा से जाए। और मेरे एक भाई ने पूछा था कि भाई लोग कि सर क्वेश्चन हिंदी आएगा या इंग्लिश आएगा, तो मैं बता दूं पेपर दोनों आएगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, जो बच्चे हिंदी कवर नहीं कर पा रहे तो उनके लिए इंग्लिश क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन बच्चे इंग्लिश कवर नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हिंदी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपने एसआई का प्री का क्वेश्चंस नहीं देखा तो जरूर जाके देख सकते हो चैनल में, ठीक है। बात करेंगे फ्रेंड्स और भी चीजों के, लेकिन अभी जस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आपने जस्ट फेसअप दिया हूँ इस वीडियो में, तो फेसअप आया है मेरा इस वीडियो में, और आपसे क्या उम्मीद रहती है हमें, बस हमें यही कमेंट में लिखना है आपको, और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना, बेल बटन के दबाकर रखिएगा, ताकि जितने भी नए नोटिफिकेशन वीडियो से रिलेटेड मिले सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद फ्रेंड्स, शुभ रात्रि।